अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवाज खान। नवाज क्लिनिक से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नेरोबियांटिडेट के बारे में बताने वाला हूं कि नेरोबियांटिडेट को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या डोज रहती है, इसकी क्या साइड इफेक्ट रहती है, इस पर बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। इससे आपको फ़ायदा यही होगा कि जितनी भी मल्टीनेशनल मेडिसिन पे नई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको आसानी के साथ मिल सकेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नेरोबियांटिडेट को हम क्यों यूज़ करते हैं, दोस्तों इसके क्या फ़ायदे हैं। इसको हम दोस्तों विटामिन की डिफिशियंसी के लिए यूज़ करते हैं। अब विटामिन की डिफिशियंसी क्या होती है, हमारे बदन में कमजोरी फील हो रही है, हमें कमज़ोर फील हो रहे हैं, हमारे अंदर मर्दाना कमजोरी है, हमारे अंदर जिस्मानी कमजोरी है, इसको ख़त्म करने के लिए, विटामिन की डिफिशियंसी को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एनीमिया जो एक बीमारी होती है, आपके बदन में ब्लड की कमी हो जाती है, आपके बदन में आरबीसी की कमी हो जाती है, उस दौरान आपको आपकी बदन पीला सा पड़ जाता है, आपका सारा बदन जो है वो पीला पड़ जाता है और आप कमज़ोर कमज़ोर से फील हो रहे होते हैं, आपको हर वक्त बदन में दर्द सा रहते हैं, बॉडी में दर्द रहते हैं, तो उस दौरान जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं आरबीसी की डिफिशियंसी के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, आपकी जिस्म में सुर्ख ज़रात को ज़्यादा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस दवाई का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बासा अवकात हम देखते हैं कि हमारे मुंह के अंदर चालीस से पड़ जाती है, फिर उसके लिए हम बोंजीला क्रीम यूज करते हैं, सोमेजिल यूज करते हैं, ठीक नहीं होती, तो उस दौरान भी आप नेरोबियांटिडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं 7 से 10 दिन तक, तो इंशाल्लाह उससे आपका यही मसला भी हल हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इस मेडिसिन को हम मर्दाना ताकत के लिए भी और जिस्मानी ताकत के लिए भी मर्द और औरत एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई को दोस्तों हामला ख्वातीन जो होती हैं, प्रेग्नेंट मदर जो होती हैं, वो भी यूज़ करती हैं उस कमज़ोरी को पूल करने के लिए, उस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए, जहां प्रेग्नेंट मदर हामला ख्वातीन को बीमारी के दौरान जो है प्रेग्नेंट मदर को जहां कमज़ोरी होती है तो उस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस दवाई को हम दस्त वगैरह जो हैं या कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको भी ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक वगैरह हम यूज़ करते हैं, हमें दस्त वगैरह लिख सकते हैं, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही इसके फायदे, इसको हम ताकत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे बदन में जहाँ दर्द वगैरह हो तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसकी डोज क्या है, अभी डोज जो है दोस्तों, इसकी एक टेबलेट जो निर्भयान की है वो रोज़ाना एक गोली खाई जा सकती है, वो आप खाने के बाद भी खा सकते हैं और खाने के पहले भी, खाने से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी टेबलेट है, इसकी कुछ इसका साइड इफेक्ट जो है देखने को नहीं मिली, लेकिन हो सकते हैं आपको स्किन रैशेज हो सकते हो, आप इसको दस्त वगैरह के लिए, आप इसको डायरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी साइड इफेक्ट्स हमें नहीं मिली। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।